पलवल जिले के गांव बहीन मानपुर व गहलब में केबीसी वेलफेयर सोसाइटी के सौजन्य से नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सिंचाई विभाग गुरुग्राम के अधीक्षक अभियंता शिव सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। शिविर में ग्रामीणों को नशे से होने वाली बीमारियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। शिविर में ग्रामीणों से अपील की गई कि नशा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में दोबारा से शामिल हो। शिविर के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सिंचाई विभाग गुरुग्राम के अधीक्षक अभियंता श्री शिव सिंह रावत ने कहा कि आज के दौर में समाज का हर वर्ग नशे की ओर बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशे के चलते स्वास्थ्य संबंधित अनेक बीमारियां पनप रही हैं। नशे के कारण कई बार तो व्यक्ति की आकस्मिक मौत हो जाती है। रावत ने कहा कि नशे का मुख्य कारण बेरोजगारी है। युवाओं को नौकरी नहीं मिलती है। युवा समय व्यतीत करने के कारण नशे की ओर बढ़ते हैं। नशे की लत लग जाने के बाद व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। उन्होंने कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है जिसे दूर करना जरूरी है। नशा करने वाले युवाओं को डराने की जरूरत नहीं बल्कि उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना चाहिए। रावत ने कहा कि केबीसी वेलफेयर सोसाइटी व उत्तराखंड फाउंडेशन जो नशा मुक्त अभियान चलाते हैं उनके द्वारा कई रायों में नशा मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे हैं। पलवल जिला में भी उत्तराखंड फाउंडेशन की तरफ से गांव बहीन में नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से ग्रामीणों को नशा से होने वाली बीमारियों व बचाव के लिए अभियान चलाया जाएगा। नशा मुक्ति केंद्र में निःशुल्क नशा करने वाले लोगों का इलाज किया जाएगा। हमारे एरिया में नशे का कुछ प्रचार ज़्यादा बढ़ रहा है तो उस पर लोगों को किस तरह से हमें जागरूक करना है जिससे कि हमारे युवा आज की टाइम पर जो इस नशे के ग्रस्त हो चुका है उसको कैसे इससे बचाया जा सके जी। तो ये उस मुहिम का आज का एक हिस्सा है, एक शुरुआत है। अभी हम ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग गाँव में करेंगे। कोई दारू पीता है, कोई नशा करता है, उसको माँ बाप पीटते हैं या उसके साथ किसी और तरह का मिसबिहेव करते हैं तो उससे वो और उग्र हो जाता है और उग्र होने की वजह से वो नशा और ज़्यादा करता है। इसलिए नशे को छुड़ाने के लिए हमने ये जो उत्तराखंड फाउंडेशन है इनके अपने सेंटर हैं दिल्ली में बहुत सारे, ये वहाँ ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके जो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं उनको वहाँ पर इलाज करते हैं 5 से 7 महीने। हमने अनुज जोहरी से ये रिक्वेस्ट करी है कि भाई जो गरीब लोग हैं उनका मुफ्त में आप इलाज करिए और वो इसके लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने हमें ये भी कहा है कि भाई अगर इस इलाके के लोगों ने हमें सहयोग दिया तो वो बहीन गांव में इसका अपना एक सेंटर भी स्थापित कर सकते हैं जो एक बहुत बड़ी नशा मुक्ति को से करने के लिए हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ी पहल होगी।